19-19 बैंक को लूट करके भाग गए। नोटबंदी करवा है, गरीबों लोग का पैसा जमा करवा दिए, जितना बैंक में जमा हुआ बैंक हुआ लेकर के सब लोग भाग गए। ये चौकीदार है, सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आप लोग जाने साहब मोदी जी का बिरादरी का लेके भागा, उन्हीं का बिरादरी का। तो आप लोग जानिए, एक चाचा है शराब बंदी कराए। हम तो मानते हैं कि शराब मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए, सब लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन आप बताओ शराब चालू है कि बंद है? चालू है ना? होम डिलीवरी हो रहा है, पूरा होम डिलीवरी हो रहा है, 200 रुपए का बोतल 1500 में है ना? अच्छा 200-1500 में अंतर है, वो सब हमारे पलटू चाचा के खाता में जा रहा है, पार्टी फंड में जा रहा है, माफियाओं से सटी गेटी है। अब बताओ गरीब तार का पेड़ों पर चढ़ जाएगा तो जेल जाओ, और मिनिमम सब अधिकारी से बड़ा बड़ा दारू पिएगा दिन रात शाम में तो कुछ नहीं होने वाला, गरीबे लोग पिसा रहा है, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये लोग को जेल भेजा जा रहा, बालू बंदी करा दी, बदला लेना कि नहीं लेना? गरीब और अमीर की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसमें आप सब लोगों को ऐसे निकम्मी सरकार से बदला लेने का काम करना है। इन्होंने हम पे मुकदमा किया, जब मूछो नहीं था तो मुकदमा हो गया, बताओ। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहते हुए 18 महीने कोई केस नहीं मिला इन लोग को, कोई भ्रष्टाचार का कुछ नहीं मिला। तो बोलता जब 13 साल के थे, क्या लड़का है, इधर आओ, उधर आओ, जल्दी उठा लो, कितना उम्र है इसका, 13 साल तो मेरा 13 साल था, तो समझ जाइए इसे 3 साल हो। टेंडर क्या होता है, टेंडर कैसे होता है, टेंडर कैसे मिलेगा? देखिए आप सब ये घोटाला करेगा, साजिश करेगा, जिसको मूछ नहीं है खेलने में मन लगता है ना, पढ़ने में कि जाते टेंडर भरने, तो आप समझिए ये मुकदमा हम लोग, ये काम क्या आया जा रहा है, गरीब परिवार से आते इसलिए हम लोगों को फंसाने का काम किया गया। ये पलटू चाचा जी हमारे इनका कोई गारंटी ले सकता है, कोई ले सकता है? कब फिर पलटी मारेंगे? भाजपा के लोग अगर कान लगा के सुन रहे हो तो समझ जाए, ये चौकीदार बने हुए हैं, चाय बेचने का फोटो आज तक हमको नहीं मिला, मीडिया वाले हैं यहाँ पे, जरा एक चाय वाला फोटो दे दीजिए तो हमको, जो प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं, नहीं मिलेगा। आप बन गए चौकीदार, अरे चौकीदारी चोर ही लोग चौकीदार बने हुए हैं, आप बात समझिए। मोदी जी अगर आप अपने आप को चौकीदार कहते हो तो देश की जनता, बिहार की जनता थानेदार है, आपने जो गलती की है इसकी सजा थानेदार देने का काम करेगा, आपको बख्शेगा नहीं। कैसा चौकीदारी हुआ, नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए।